subscribe to our channel and press the bell icon for all notifications. There's World Music Day, and I've released one beautiful song for all over the world. Because it's not a song, it's my message from my heart. Because World Music Day is my life ka birthday ka baad ye acha lagta hai. Kyun? Sangeet se mera sab kuch hai. तो इसमें गाना जो है वर्ल्ड पीस लव एंड हारमोनी, इसका वर्डिंग बहुत अच्छा है. वी वांट पीस अराउंड द वर्ल्ड, वी आर वन, वी आर वन, वी आर द वन, वी वांट पीस अराउंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड पीस लव हारमोनी. सो आपने काफ़ी काफ़ी गाने दिए, काफ़ी सॉन्ग्स दिए, काफ़ी म्यूजिक भी कंपोज किया, नहीं नहीं ये तो मेरा तो 48 ईयर्स से काम कर रहा हूँ. मीन दिलीप कुमार देवानंद से लेके वरुण धवन, रणवीर सिंह, ये तो मेरा चल रहा है. बट मैं सबका साथ ही काम किया, कोई बाकी तो है नहीं. लेकिन एक चीज़ है, काम करते रहो, ये मेरा एक है अंदर से. ऐसा नहीं है बहुत किया, बहुत अवार्ड मिला, ऐसा नहीं, नेवर. आगे अच्छा करो. जैसे हॉलीवुड में किया मैंने, लायन किया, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी किया, तो उसके एक अलग ही है. तो बस मैं चाहता हूँ कि आज वर्ल्ड म्यूजिक डे में गाना लॉन्च किया, ये हॉलीवुड में रिकॉर्डिंग किया, उसमें कम से कम कबीर बेदी जो हमारा इंटरनेशनल स्टार, उसका उनका वॉइस ओवर है, पब्लिक को पसंद आएगा. माय सन बाप्पा ही हैज़ अरेंज्ड, रिकॉर्डेड इन हॉलीवुड, सब कुछ मिला के मैं जब गाना गाया, मेरा साथ गाना लिखा दीपक स्नेह ने, बहुत अच्छा लिखा. और आज इधर एक हुआ, और एक अमेरिका में एक रिलीज़ हो रहा है जिसका नाम है, वो भी बाप्पा ने किया, माय सन बाप्पा ने, उसके अलग है. जो आपने पूछा ना, जो आप मेरा गाना के बारे में, मेरा सुपर हिट गाने को रिक्रिएट किया, उसका नाम है एल्बम का म्यूजिक रूम. तो उसमें जैसे मेरा इंतहा हो गए इंतज़ार की, यार बिना चैन कहाँ रे, जवाने जाने मन हसीन दिलरुबा, ऐसा 6-7 गाने को वो हॉलीवुड का ऑर्केस्ट्रा लेके रिमिक्स किया, जिसमें मेरा साथ गाना गाई है, बहुत ही अच्छा सिंगर है अमेरिका का, अनुराधा पुलाकृति. तो मेरा हिसाब से वो भी बहुत अच्छा हुआ. अभी उसका यूट्यूब में आएगा, एक हफ्ता में यूट्यूब में आ जाएगा. लेकिन दोनों एल्बम ही आज ही आया, आज ये तो ऑलरेडी यूट्यूब में चालू हो गया, वर्ल्ड पीस लव एंड हारमोनी. बस मैं इतना साल से काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कुछ नयापन हो, कुछ नया आगे क्या करना है. सो अपने इंडस्ट्री को लगभग 45 से 50 साल दिए, तो क्या कुछ मेमोरीज खास रही जो आपके दिलो दिमाग में हमेशा थे, कुछ हम बताना चाहिए? बस मैं बॉलीवुड को तो सलाम करता हूँ, मैं बोलते ही रहता हूँ, महाराष्ट्र को धरती को मैं प्रणाम करता हूँ, उनका ही आशीर्वाद से आज बापी लहरी है. मेरा जन्म कलकत्ता में है, मैं आया 45 ईयर्स पहले, काम कर रहा हूँ इधर. और मुंबई मेरे लिए बहुत लकी है, बम्बई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो. और रिसेंटली जॉन इब्राहिम का पिक्चर था नाना पाटेकर, शोला है ये घड़िया, ये बम्बई नगरिया, तो भी सुपर हिट था गाना. तो मैं चाहता हूँ बस ये आज बॉलीवुड में आज चल रहे उलाला, तूने मारी एंट्री, लास्ट ईयर तम्मा तम्मा लोगे, तो ऐसा हिट होता रहते. क्यों? बिकॉज ऑफ पब्लिक को पसंद है बापीदा का वॉइस, बापीदा का म्यूजिक. इसके लिए आज मेरा जो नया पिक्चर आ रहा है, दो पल प्यार के, ये अच्छा, इतना अच्छा गाना हुआ, सभी गाना अच्छा है. बाबुल सुप्रिय अल्लाह सूफी वाला गाना गाया, अल्लाह अल्लाह ब्यूटीफुल सॉन्ग, शान ने गाया बहुत अच्छा. मैंने एक गाना गाया जो मेरा बोल पिक्चर जिन उड़ा है, पार्टी दम दम दम. तो दो पल प्यार के का म्यूजिक मेरा बहुत अच्छा लगा कंपोज करते वक्त. अभी भगवान चाहा पब्लिक को पसंद आएगा तो टॉप में जाएगा, टॉप चार्ट में. अरमान मलिक का गाना है, बहुत अच्छा है टाइटल सॉन्ग. और 20 वर्ष का एक पिक्चर आ रहा है, डिस्को डांसिंग स्टार. तो
तो बस कुल मिला के इस साल में दोनों पिक्चर का म्यूजिक तो जो कंप्लीट हो गया, और न्यू टर्न का जो नेक्स्ट पिक्चर उसमें मैंने गाना गाया टाइटल सॉन्ग, उसका भी बहुत अच्छा, मैं प्लेबैक किया, मेरा म्यूजिक नहीं, म्यूजिक किसी का है। तो बस एवरी ईयर 4-5 चलते हैं पिक्चर अच्छा, और गाना अच्छा होना चाहिए, सबको पसंद आना चाहिए, बस काम करते रहो। सर आप बॉलीवुड में एक एज ए ब्रांड है, आप अपकमिंग इन फ्यूचर बॉलीवुड में किसे आपकी तरह आपके गुण को किसी में देखते हैं जो न्यू कमर्स आ रहे हैं बॉलीवुड में, उनमें न्यू कमर आ रहा है जो डेफिनेटली हमारा आर डी बर्मन, एस डी बर्मन, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत पेरलाल, इसको बाद बापी लहरी, हम लोग का जो ग्रुप था उसको बाद ए आर रहमान, विशाल शेखर, बहुत ही गुणी है और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। माय सन बापा लहरी, ही इज ऑल्सो डूइंग हार्ड, ही इज नाउ हॉलीवुड में ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो न्याय में प्रीतम भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो अच्छा है, सब इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे संगीतकार हैं, अच्छे गाने वाले हैं, मैं सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ, मेरा दुआ सब लोग अच्छा काम करें। वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है, योगा डे भी है, सो आप कितना रेफर करते, कितना फॉलो करते हैं योगा एंड अदर एक्टिविटीज़? देखिए योगा तो डेफिनेटली गुड फॉर द हेल्थ, गुड फॉर द माइंड, रिलैक्सेशन, एवरीथिंग, बट म्यूजिक डे जो है, वर्ल्ड म्यूजिक डे इज माई डे, बिकॉज संगीत सब कुछ, संगीत ही मेरी मजहब, संगीत मेरा खजाना, संगीत मेरा रब है, संगीत कुछ सब कुछ है, तो संगीत ही एवरीथिंग, जिंदगी मेरा गाना, मैं इसी का दीवाना, तो झूमो तो नाचो, आज है वर्ल्ड म्यूजिक डे। नया सॉन्ग के वजह नहीं, नया सॉन्ग के वजह बस यही कहना कहूँगा, आप लोग दिल से गाइए, आत्मा से गाइए, और गाते रहिए, और मेहनत करो, हम भी बहुत मेहनत किया, जितने जो जो आर्टिस्ट आज बड़े बड़े सिंगर है, हमसे भी सीनियर, सब लोग की बस एक ही बात सुना, बहुत मेहनत किया, बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन फल मिल गया। तो मैं चाहता हूँ यंग जनरेशन भी मेहनत करो, बस ऐसा करो, आगे आओ, आगे बढ़ो। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। For more updates, please like, share and subscribe to YoYo Times.